नमस्कार, सूबे की सरकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे पार्टियों ने कमर कस ली है। सीएम नायब सिंह सैनी ने टोहाना में चुनावी रैली की और इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता का हुजूम उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि सीएम सैनी ने लाडवा से ताल ठोकी है और जैसे कि बीजेपी की पहली लिस्ट आई वैसे ही सीएम ने प्रचार में तेजी कर दी है। सीएम ने दावा किया है कि तीसरी बार भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार रिकॉर्ड मत से आएगी। तो चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही पार्टियों में जो है प्रचार का दौर लगातार तेज होता जा रहा है और इसी कड़ी में अब जहां जहां सीटें आवंटित हो गई है वहां पर भी प्रचार और तेजी से चल रहा है। इस बीच टोहाना पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और यहां पर प्रचार कर रहे थे वो। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है, पूरा भरोसा उन्हें है। इस तरीके की बात कहते हुए सीएम नजर आए तो चुनावी हुंकार टोहाना से सीएम नायब सिंह सैनी ने भरी है। तो चुनावी प्रचार का दौर जो है प्रदेश में लगातार जारी है और क्योंकि एक महीने से भी कम का समय अब चुनाव में बचा है तो ऐसे में सीएम के भी लगातार दौरे हो रहे हैं। इस बीच टोहाना पहुंचे चुनावी हुंकार भरने सीएम और पंचकूला के कालका में बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है जिसके बाद से उन्होंने कालका में रोड शो भी निकाला। तो वहीं पिंजौर के एचएमटी से कालका काली माता मंदिर तक रोड शो उन्होंने निकाला। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी रोड शो में शामिल हुए। हम पहाड़ियों के बारे में बहुत ही गलत कहावत प्रचलित है कि सूर्य अस्त तो पहाड़ी मस्त, तो ऐसा पहाड़ी हमको भी इस बारे में बुरा लगता है। और जब बात हमारे युवा पीढ़ी की आती है तो वो रीढ़ की हड्डी है हमारे पूरे राज्य की, राज्य के नहीं पूरे देश की। तो उसी युवा पीढ़ी को नशे की राह से अलग करके उनके भविष्य की राह की ओर ले जाने के लिए हैशटैग बिलीवर फाउंडेशन की ओर से मैं कंचन रावत मंच पहाड़ी का आगाज किया है, जिसमें मैं हमारे यहाँ के सरकारी स्कूलों में ब्लॉक थराली के जो सरकारी स्कूल है इंटर कॉलेजेस वहां पे मैं 14 दिन की वर्कशॉप फ्री देती हूँ और बच्चों को मैं नशा मुक्ति की राह पे ले जाने की कोशिश करती हूँ। और कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस ने अपने 31 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। गढ़ी सांपला किलोई से जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को ही पार्टी में शामिल हुई पहलवान विनेश फोगाट को जींद के जुलाना से टिकट दिया गया है। कांग्रेस के जो बाकी प्रत्याशी हैं उनकी अगर बात करें तो कालका से प्रदीप चौधरी, नारायणगढ़ से शैली चौधरी, सढ़ौरा से रेणु बाला, रादौर से बिशनलाल सैनी, लाडवा से मेवा सिंह, शाहबाद से रामकरण, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और असंध से शमशेर सिंह गोगी, समालखा से धर्म सिंह छोकर, खरखौदा से जयवीर सिंह, सोनीपत से सुरेंद्र पवार, गोहाना से जगबीर सिंह मलिक, बरौदा से इंदुराज सिंह नरवाल, सफीदो से सुभाष गंगोली, कालावाली से शीशपाल सिंह, डबवाली से अमित सिहाग, रोहतक से भारत भूषण बत्रा, कलानौर से शकुंतला खटक, बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून, बादली से कुलदीप वत्स, झज्जर से गीता भुक्कल, बेरी से रघुवीर सिंह कादियान, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, रेवाड़ी से चिरंजीव राव, नू से आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर झिरखा से मामन खान, पुनहाना से मोहम्मद लियाज, होडल से उदयभान और फरीदाबाद से नीरज शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। और कांग्रेस पार्टी ने पार्टी चुनाव को लेकर के अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा से कांग्रेस ने नीरज शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है।
जिसको लेकर के फरीदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पर जश्न मनाया गया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। तो फरीदाबाद की ये तस्वीरें, कार्यालय में जश्न मना है चुनाव को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस की पहली लिस्ट भी अब आ चुकी है जो लगातार इंतजार चल रहा था। अब ऐसे में चुनाव को लेकर जब लिस्ट जारी हुई तो टिकट वितरण पर जिन जिन लोगों को टिकट मिला है उन सभी ने खुशी यहां पर जाहिर की है। नीरज शर्मा को भी जब टिकट दिया गया तो उनके समर्थकों में काफी जश्न का माहौल देखा गया। कार्यालय में मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई गई। और विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। कांग्रेस के करनाल जिले की असंध विधानसभा से एक बार फिर से दूसरी बार शमशेर सिंह गोगी पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है और उन्हें असंध से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है। शमशेर सिंह गोगी को कांग्रेस की टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने गोगी के करनाल निवास पर गोगी का मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी और खुशी भी जाहिर की। कांग्रेस हाईकमान ने जो दोबारा हमारे अंदर विश्वास जताया है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और पार्टी हाईकमान में राहुल जी का, सोनिया जी का, खड़गे जी का आभार व्यक्त करता हूं और साथ में स्पेशली कुमारी शैलजा का आभार व्यक्त करता हूं। कार्यालय कब ओपन होने जा रहा है? कल सुबह कार्यालय का मुहूर्त है, मतलब 10 बजे। मुहूर्त का मतलब क्या है, हम कोई वो नहीं कटा रखा पत्रा, लेकिन ओपनिंग का टाइम जो है 10 बजे रखा हुआ। और बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके समाज सेवी राजेश जून ने अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। बता दें कि उन्होंने अपने पैतृक गांव लोवा कला के शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है और मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए ग्रामीणों और पंचायत से अनुमति लेने के बाद राजेश जून ने बहादुरगढ़ से विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने का ऐलान किया। राजेश जून ने कहा कि कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया है। वहीं वर्तमान विधायक राजेंद्र जून ने उनसे पहले वादा किया था कि अगली बार चुनाव में उन्हें लड़वाया जाएगा, लेकिन उनके साथ विश्वासघात किया गया है, इसलिए अब वो विधानसभा का निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। मैंने आज अपने इलेक्शन की शुरुआत अपने गांव पैतृक गांव में, जहां मेरा जन्म हुआ, जहां मैं पढ़ा, खेला, कूदा, दुख में सुख में अपने गांव वालों के साथ रहा, गांव वालों ने मुझे पाला पोषा, यहाँ इसी मंदिर में खेले खाए हैं, वहां मैंने आके अपनी बात रखी है। भी ऐसे ऐसे पिछली बार राजेंद्र जून ने मेरे से मदद मांगी थी, मेरा पर्चा ठाणे की ठा करके मैंने उनकी मदद करी, उनको MLA बना था। अब राजेंद्र जून ने फिर से मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। मेरा जितने हल्के बहादुरगढ़ मेरा साथी है वो सब मेरे को कह रहा है कि आप निर्दलीय इलेक्शन लड़ो। और उधर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसे लेकर के हरियाणा के पूर्व गृहमंत्री अनिल विज ने तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस ने उन लोगों को भी टिकट दी है जिन पर केस चल रहा है। कांग्रेस को जेल जाने वाले उम्मीदवार पसंद है। सुरेंद्र पवार जो जेल में हैं उन्हें टिकट दिया गया है, इससे कांग्रेस की सोच का पता लगता है। हाल ही में हुड्डा की प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच भी की है और उसे जो है आपको बता दें कि उन्हें भी टिकट दी गई है, इससे कांग्रेस की मानसिकता का पता लगता है। वहीं बाकी उम्मीदवारों में भी ऐसे ही नगीने आ सकते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर अब फुल स्टॉप लगती नजर आ रही है, जिसे लेकर के विज बोले कि अभी तक तो कश्मकश चल रही है। राहुल गांधी ने खुद आम आदमी पार्टी से कहा कि उन्हें उम्मीदवार दे दो, क्योंकि उनके पास उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस के लिए अपराध उनके लिए वो बहुत पसंदीदा था, इसलिए हुड्डा साहब के ऊपर भी केस चल रहे हैं, उनका भी नाम है 31 लोगों के लिए है और सुरेंद्र पवार जी भी जेल भी है, उनका भी नाम अभी और हीरे कटले आते हैं।
और फरीदाबाद की प्रथला से विधायक नयनपाल रावत ने एक बार फिर से 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए निर्दलीय ताल ठोक दी है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि 2019 में जनता के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीता भी था, वहीं 2024 में फिर से जनता के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। बता दें कि विधायक नयनपाल रावत ने फरीदाबाद लोकसभा से सांसद कृष्णपाल गुर्जर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये गद्दार हैं, लोगों के साथ गद्दारी करता है, पहले भी एक व्यक्ति के घर का नाश कर चुके हैं और इस बार भी विधानसभा चुनाव में 3 से 4 लोगों के घर का नाश किया गया। देखिए शक्ति आपने देखी है, इस चंदावली के ग्राउंड में जितनी बड़ी रैली 2019 में मेरे लोगों ने अपने साधन संसाधनों से की थी, आज आपने देखा होगा धर्मेंद्र जी कि कोई बस नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई इनको साधन नहीं दिया, किसी पैसे की भीड़ नहीं है। मैंने 5 साल में लोगों का मन जीतने का काम किया है, मैंने इनको अपना भगवान मानकर इनकी तन से धन से मन से मान से सम्मान से सद्भाव से इनकी सेवा की है और भगवान मानकर को पूजा है। और आज इन्होंने दिखा दिया कि नयनपाल रावत के लिए 36 बिरादरी का बेटा है, 36 बिरादरी का नेता है, कोई टिकट मायने नहीं रखती। और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी जनसंपर्क अभियान में व्यस्त हैं। इस दौरान उन्होंने तोशाम क्षेत्र के करीब आधा दर्जन से अधिक गांव का दौरा किया। इस दौरान गांव टिटानी मालवास देवसर में ग्रामीणों ने फूल मालाएं भेंट करके और पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। कई जगहों पर तो उन्हें लड्डुओं और फलों से तोला गया। इस मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से क्षेत्र की जनता की सेवा कर रही हैं। उन्होंने अपनी तरफ से विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। श्रुति ने भी जो है सांसद रहते हुए क्षेत्र के लिए पूरी निष्ठा से काम किया है। बहुत जबरदस्त उत्साह है लोगों में। आज यहाँ पे इस गांव के अंदर मैं जहाँ खड़ी हूँ, इन्होंने बताया कि 10-15 नौकरियां लगी हैं, तो बच्चों का जो है इस तरह से नौकरियां लग रही हैं बिना खर्ची और बिना पर्ची के, गरीब आदमी जो है आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब तो खुशहाली है। पानी का इन्होंने जिक्र करा है कि पानी का टंकी यहाँ बनवानी है, वो हम बनवा के देंगे, और जो बाकी जो समस्या थी वो आपके हाथ जो है मैं फोन करके जो है ठीक करवा देती हूँ। आप जानते हैं आने वाले समय में श्रुति ये काम करेगी। 12 तारीख को श्रुति अपना नामांकन भर रही है। श्रुति चौधरी जी सांसद जो है यहाँ से जिनको टिकट मिली है, तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि सारे के सारे वहाँ पे हमारा हौसला अफजाई करने के लिए तो शाम जो है 11 बजे पहुंचे, ताकि धूमधाम से जो है हम इसको जो है नामांकन उसका भरवाएं। और कालावली से इनेलो नेता मगर सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है। इस दौरान मगर सिंह के साथी भी कांग्रेस में शामिल हुए। सांसद देवेंद्र हुड्डा और कालावली से विधायक शीशपाल केहरवाला ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। और कालावली में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पूर्व ओएसडी जगदीश चोपड़ा ने कहा कि कालावली के पूर्व विधायक बलकौर सिंह अगर कांग्रेस में जा रहे हैं तो उन्हें निर्णय लेने में बड़ी चूक हुई है, वो अपनी दुर्गति को आमंत्रित करने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस में घृणा नफरत के बिना और कुछ भी नहीं है, और उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की ही सरकार बनेगी। वहीं प्रदेश के पूर्व चेयरपर्सन रेणु शर्मा ने कहा कि इस बार प्रदेश में फिर से कमल खिलने जा रहा है और प्रदेश में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेगी। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के साथ ही एक बात निश्चित और निर्धारित हो गई कि इस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र मिश्र दुर्गा जी की बहुत बड़े मार्जिन से विजय निश्चित है।
भारतीय जनता पार्टी के विशेषतया कार्यकर्ताओं में और सामान्यतः जनता में जो उत्साह देखने को मिला है वो अपने आप में अपूर्व है, अभूतपूर्व है। और महेंद्रगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी सुरेंद्र कौशिक ने महेंद्रगढ़ विधानसभा से नामांकन किया है। नामांकन से पहले उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बाजारों में रोड शो भी निकाला। आपको बता दें कि सुरेंद्र कौशिक इनेलो के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और पिछले साल उन्होंने जो है यहां से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। नामांकन के बाद सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि महेंद्रगढ़ के लोग बदलाव चाहते हैं, यहां बदलाव करना जरूरी भी है। महेंद्रगढ़ में अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनावी मैदान में हैं। तो महेंद्रगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर इनेलो प्रत्याशी ने नामांकन किया है, नामांकन भरा है। सुरेंद्र कौशिक ने नामांकन के दौरान रोड शो भी निकाला और कहा कि इस बार महेंद्रगढ़ में बदलाव की जरूरत है। हालांकि पहले भी कई बार ये चुनाव लड़ चुके हैं और इनेलो के कई पदों की जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं। अब ऐसे में नामांकन करने जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस बार महेंद्रगढ़ की जो जनता है वो बदलाव चाहती है और इस बदलाव के तौर पर इनेलो को विकल्प मानती है, तो जीत का भरोसा उन्होंने इस बार जताया है। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लोगों को दी थी, ये फेसबुक के माध्यम से, अखबार में भी नहीं निकलवाई, नॉर्मल लोगों को कही थी। आज हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, महेंद्रगढ़ के लोग बदलाव चाहते हैं, अब की बार महेंद्रगढ़ में बदलाव करना जरूरी है। सब लोग मेरे साथ हैं और बदलाव के मूड में हैं। क्या किन बातों को लेकर आप जनता के बीच में? ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है महेंद्रगढ़ में कि क्या हो, यहाँ तो सारे मुद्दे, अनेक मुद्दे हैं। और पलवल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी गौरव गौतम पलवल के ऐतिहासिक प्राचीन पंचवटी मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना के साथ ही मंदिर के महंत से आशीर्वाद भी लिया। गौरव गौतम ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना इस दौरान साधा। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी इस दौरान किया। गौतम ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने उन्हें पलवल विधानसभा से टिकट देकर यह साबित कर दिया है कि बीजेपी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के अपने नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जैसे ही आज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में घोषणा हुई है उसके तुरंत बाद मैंने पलवल के ऐतिहासिक, जहां से पूरे पलवल पर कृपा बरसती है, ऐसे पंचवटी धाम से भगवान हनुमान जी का, बाबा खाटू नरेश का और संतों का आशीर्वाद लेकर मैंने आशीर्वाद लिया है कि उनकी आशीर्वाद से ही मेरी नैया पार होगी। और अम्बाला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। मौजूदा विधायक एवं मंत्री असीम गोयल को पार्टी द्वारा टिकट दिए जाने के बाद भारी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। आपको बता दें कि असीम गोयल के पैतृक गांव जो है, जो असीम गोयल का पैतृक गांव है, वहां पर नन्योला में लगभग 60 से अधिक लोग जो है इस दौरान शामिल हुए पार्टी में। वहीं बता दें कि असीम गोयल की मौजूदगी में भाजपा का पटका पहनाकर बीजेपी का उन्होंने दामन थामा। अम्बाला से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर असीम गोयल का स्वागत हुआ है और कई सारे महिलाएं इस दौरान बीजेपी का दामन थामने भी पहुंची, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब जो है भारी संख्या में लोग
पार्टियों में शामिल होते हैं, कई लोग दल बदलते हैं, लेकिन इस बीच जो सदस्यता अभियान लगातार बीजेपी का चल रहा है उसके तहत जो है 60 से अधिक महिलाएं यहां पर बीजेपी का कुनबा बढ़ाने पहुंची और बीजेपी में शामिल होने पहुंची। ये तस्वीरें अम्बाला की हैं जहां पर कई महिलाओं ने एक साथ बीजेपी का दामन थामा है। मंत्री असीम गोयल की मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम हुआ और उनका स्वागत भी यहां पर भव्य तरीके से किया गया। देखिए आज ननेवला गांव में आप देख सकते हैं कि भारी उत्साह महिलाओं में देखने को मिल रहा है। आज हमने यहां पे 50 से 60 लेडीज को यहां पे ज्वाइन करवाया है। सभी बहनों ने बड़ी उत्साह के साथ, 50 से 60 बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और हमारे मंत्री असीम गोयल जी जो कि अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर इन बहनों को आज खुद आकर यहां पर ज्वाइन करवा के गए हैं भाजपा में। तो सभी बहनें बहुत ही उत्साहित हैं कि आज से हम भाजपा में ज्वाइन हो गए हैं और पूरी कड़ी मेहनत के साथ सभी बहनों ने एक साथ बोला है कि हम भाई असीम गोयल जी को पूरी भारी मतों से यहां से जिताकर भेजेंगे। और रतिया से जो है बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने अपने हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान के नेतृत्व में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और इस मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। लक्ष्मण नापा के साथ हल्के के 22 सरपंचों, ब्लॉक समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि गुरतेज सिंह और वाइस चेयरमैन कुलदीप सिंह मानक ने भी कांग्रेस ज्वाइन यहां पर की। वहीं आपको बता दें कि हुड्डा और उदयभान ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण नापा और उनके साथियों ने सही समय पर सही फैसला लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की टिकट काटने पर बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक नरेश कौशिक भावुक हो गए और मंच पर नरेश कौशिक की आंखों से आंसू छलक पड़े। इस दौरान नरेश कौशिक ने अपने छोटे भाई दिनेश कौशिक को मंच से अहंकारी कहा और साथ ही कहा अपशब्दों का प्रयोग उनके लिए किया उन्होंने। और आपको बता दें कि दिनेश कौशिक को बीजेपी ने बहादुरगढ़ विधानसभा से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है और नरेश कौशिक ने भावुक होकर कहा कि दिनेश कौशिक इतने अहंकारी हैं कि उनकी बेटी की शादी में भी अपने सगे भाई को उन्होंने नहीं बुलाया। देखिए जिस तरह से बहादुरगढ़ हल्के की टिकट एक साजिश के तहत खराब की गई है और एक मेरे खिलाफ मिलकर बहुत बड़ी साजिश जिला अध्यक्ष ने और कुछ स्वयंभू नेताओं ने जो अपने आप को बड़े नेता बताते हैं और अपनी सीट भी नहीं निकाल सकते। तो सुबह की सरकार देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।